तो आज हम लोग पढ़ेंगे एक्सपोनेंट ऑफ प्राइम फैक्टर इन एन फैक्टोरियल। क्या पढ़ेंगे? एक्सपोनेंट ऑफ प्राइम फैक्टर इन एन फैक्टोरियल। अपने आज की हेडिंग है एक्सपोनेंट ऑफ प्राइम फैक्टर इन एन फैक्टोरियल, जिसको कि देखो डिनोट करते हैं। देखो इसको डिनोट ऐसे किया जाता है ई पी फैक्टोरियल एन का मतलब एक्सपोनेंट ऑफ पी इन एन फैक्टोरियल। और पी मतलब कोई भी प्राइम नंबर। पी का मतलब यहां पे पी सिर्फ और सिर्फ प्राइम नंबर। अगर देखो एनी कॉन्जुगेट नंबर इज प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर। आप जानते हो कोई भी दुनिया की कंजुगेट नंबर होगी वो कुछ ना कुछ प्राइम नंबर का प्रोडक्ट होगी। तो अगर हम प्राइम नंबर के बारे में जानकारी मिल जाए तो हम उनके कोई भी कंजुगेट नंबर को हम निकाल सकते हैं, उसके बारे में पता कर सकते हैं। तो प्राइम नंबर आपका हो जाएगा यहाँ पे प्राइम नंबर। अब जैसे देखो इसका फार्मूला क्या होता है, ई पी का जो फार्मूला होता है यानी पी का कितना एक्सपोनेंट है, कितना पावर है, पी की कितनी एक्सपोनेंट का मतलब होता है पावर, कितनी पावर है, कितनी डिग्री है, ये पता करने के लिए एन में सीधे सीधे पी से डिवाइड करो पहले। और ये जो लिखा हुआ है ग्रेटेस्ट इंटीजर लिखा हुआ है, ग्रेटेस्ट इंटीजर का मतलब क्या होता है सबको पता होगा ना कि ग्रेटेस्ट इसका मतलब होता है बिल्कुल ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, इसका मतलब यही होता है ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। और अगर मान लो ये लिखा गया है इसकी वैल्यू होती है जस्ट लेफ्ट इंटीजर, हाँ जस्ट लेफ्ट इंटीजर ऑन नंबर लाइन पे जस्ट लेफ्ट इंटीजर होता है। और वो भी अगर एक्स इज नॉट इंटीजर, अगर इंटीजर नहीं है तो, अगर ये एक्स इंटीजर हो जाएगी तो, अगर यहाँ पे एक्स इंटीजर हो जाएगा, अगर एक्स इंटीजर है तो सेम वैल्यू हो जाएगा इंटीजर, तो वैल्यू इसकी सीधे सीधे वही बाहर निकल कर जाएगी। जैसे कहने का मतलब है कि 3.2 की वैल्यू हो जाएगी 3, लेकिन 3 की वैल्यू क्या होगी 3 होगी। अरे बात समझ में, -3.2 की वैल्यू इसके जस्ट पीछे -4, लेकिन -4 की वैल्यू -4। अरे बात समझ में ना, तो यही चीज है यहाँ पे। तो ये ग्रेटेस्ट इंटीजर लिखा हुआ है एन बाय पी प्लस एन बाय पी स्क्वायर प्लस एन बाय पी क्यूब प्लस एन बाय पी की पावर 4 प्लस डॉट 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 डॉट, ये चलता रहेगा ठीक है। और कुछ देर के बाद आपको खुद समझ में आएगा कि इसकी वैल्यू हो जाएगी 0, जहां 0 होगी वहां पे हम रुक जाएंगे। बात समझ आ रही है ना? जैसे मान लो सपोज कि n फैक्टोरियल, जैसे मान लो किसी ने पूछा कि फाइंड एक्सपोनेंट ऑफ 2 इन फैक्टोरियल 100। जैसे पिछला सवाल जो था 100 फैक्टोरियल में 2 की पावर, यही हमसे पूछ रहा था। एक सवाल कर लेते हैं ठीक है ना। तो आपका इसको लिखेंगे ऐसे e 200 फैक्टोरियल, इसका पूरा मतलब यही हुआ कि 2 का एक्सपोनेंट 100 फैक्टोरियल में। और क्या हो जाएगा पहला 100/2, इसकी वैल्यू आपके प्लस, फिर आपका 100/2 का स्क्वायर, फिर आपका आ जाएगा 100/2 की पावर 3, फिर आपका आ जाएगा 100/2 की पावर 4, फिर आ जाएगा आपका 100/2 की पावर 5, फिर आ जाएगा आपका 100/2 की पावर 6, फिर ऐसे आ जाएगा 100/2 की पावर 7, ऐसे ही आपका जाता रहेगा, देखेंगे कब तक जाता है ठीक है ना। अगर ये जाने के बाद से 64 तक रुक जाएगा, क्योंकि 64 से आगे ये हर बार जीरो देने लगेगा। तो पहली वैल्यू आ जाएगी देयरफॉर e2 एक्सपोनेंट 100 फैक्टोरियल की वैल्यू हो गई हमारे लिए, यहाँ पे पहला हो गया 50, दूसरा हो गया 100 में 4 डिवाइड हुआ तो 25 हो गया, यहाँ पे ग्रेटेस्ट इंटीजर 50, ग्रेटेस्ट इंटीजर 25 प्लस यहाँ पे हो गया ग्रेटेस्ट इंटीजर 100 में 8 डिवाइड करेंगे तो 12 आपका कुछ 5 के आसपास आएगा ठीक है। 12 में 8 डिवाइड करेंगे तो 12.5 के आसपास आएगा। फिर आपका अगला उसके बाद है 100 में 2 की पावर 4 16 डिवाइड करेंगे तो 16 से डिवाइड करेंगे तो 6. मान लेते हैं 6.2 के आसपास आएगा ठीक है ना। फिर प्लस जिस दिन 100 में 2 की पावर 5 32 डिवाइड करेंगे तो 3.1 के आसपास आएगा ठीक है।
फिर 100 में 100 टू की पावर 6 64 डिवाइड करेंगे तो ये आएगा आपका कुछ 1.5 के आसपास या 6 के आसपास आएगा, और फिर लास्ट वाले में 0.5 के आसपास आएगा। ठीक है, तो ये पूरा ओवरऑल 97 आएगा, बिल्कुल सही बात है। तो आंसर आ गया, पहला तो इंटीजर है तो 50 के 50 बाहर निकल के आ जाएगा, दूसरा पूरा 25, तीसरा आपका 12 आ जाएगा, चौथा 6 आ जाएगा, फिर 3 आ जाएगा, फिर 1 आ जाएगा, फिर 0, इसके बाद सब 0 आने लगेंगे और इन सबको जोड़ेंगे 50 25 75 12 87 693 प्लस 96 प्लस 197 यानी 97, यानी कुल मिला के इसमें कितना 2 की पावर कितना होगा 97। अरे बात समझ में, अब जरा हमको निकाल दो 3 के पावर E300 निकाल दो, 3 की पावर कितना आएगा जरा बताओ, इसमें हमको चाहिए इसी में 3 कितना चाहिए, ठीक है। उसके बाद 3 ही नहीं, हमको इसमें चाहिए 5 भी चाहिए कि इस 100 फैक्टोरियल में 5 कितना आएगा, ये दोनों चीज चाहिए, जरा निकाल के मुझे बताओ कितना आ रहा है, दोनों ही बताओ, आप भी निकालो इधर हम भी निकालते हैं और आंसर मैच करवाते हैं कि कितना आ रहा है। उसके बाद इसके सवाल, अब उस पे बात करेंगे कि सवाल आईआईटी में किस तरीके का सवाल पूछता है, ठीक है ना, उस पे बात करेंगे। पहले हम निकालते हैं E300 फैक्टोरियल और ये हो जाएगा आपका 100/, अच्छा ये भी ध्यान रहे, ये भी 40 आ जाएगा तो ठीक है, ये ध्यान रहे कि यहां पे सिर्फ प्राइम नंबर ही होनी चाहिए, यहाँ पे क्या होना चाहिए, सिर्फ प्राइम नंबर होना चाहिए। तो ये हो जाएगा 100/3 प्लस 100/3 का स्क्वायर प्लस 100/3 की पावर 3 27 होता है, फिर 100/3 की पावर 481 होता है, इसके बाद रुक जाएंगे, आगे किसी काम का नहीं है। ये आपका 100 में 3 डिवाइड करेंगे तो 35 कुछ होगा, तो उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर धीरे धीरे 33, इसमें 100 में 9 डिवाइड करेंगे तो कुछ 11 पॉइंट समथिंग होगा, और 11 पॉइंट समथिंग का जस्ट लेफ्ट इंटीजर 11th हो जाएगा, और आपका ये 27 में कुछ 3 पॉइंट समथिंग होगा तो ये 3 हो जाएगा, और ये 81 में 1 पॉइंट समथिंग होगा तो उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर 1 हो जाएगा। ये 33 और 11 और 44 और 4 47 सही है क्या, 44 और 4 48 होगा ना, 48 आई बात समझ में। तो इसमें कुल मिला के 100 फैक्टोरियल में कितना 3 आएगा, अरे बात समझ में, 3 की पावर 48, यानी हम लिख सकते हैं इसमें कि 100 फैक्टोरियल हमको पता है कि 3 की पावर 48 आएगा, अब बाकी कोई एक नंबर आएगी, अरे बात समझ में। ऐसे ही हम निकालें कितना E5 100 फैक्टोरियल 24 आ रहा है, अच्छा 100/5 प्लस 100/5 का स्क्वायर प्लस 100/5 का क्यूब करते ही 125 जीरो दे देगा ये, यानी यहाँ पे आया आपका 20 और यहाँ पे आया आपका 4 और यहाँ पे आया 0, यानी आ गया आपका 24, यानी कुल मिला के 100 फैक्टोरियल में 5 की पावर 24 आएगा और बाकी सब कोई एक नंबर एन हो जाएगा, बात समझ आ रही है ना। इसके बाद अब सवाल कैसे पूछता है, अब सवाल देखो, अब सवाल किस तरीके से इसमें पूछता है उस पर मैं बात करता हूं। क्वेश्चन देखो, फाइंड एक्सपोनेंट ऑफ 6 इन फैक्टोरियल 100, अब 100 फैक्टोरियल में तो 6, हाँ तो 3 और 2, 6 कैसे मिलके बन रहा है, 2 into 3, तो जितने 2 और जितने 3 में से जो छोटा वाला होगा उतना ही ले लेगा, तो देखो हाँ बिल्कुल सही है, इस 100 में 2 की पावर 97 इंटू कुछ एन आ रहा था, और ये 100 फैक्टोरियल में से 3 की पावर 48 इंटू एन आ रहा था, इन दोनों में से जितने 1, 2 और 1, 3 मिलके 6 बनाएंगे तो अपने पास 97 2 है और 48 3 है, तो इसमें से कुल 48 मिलके बनाए, आ रही बात समझ में, तो टोटल नंबर ऑफ 6 की पावर 48 इंटू कुछ एन आएगा 100 फैक्टोरियल में, बोलो बात समझ में आया। अगला सवाल अगर मान लो पूछता है फाइंड एक्सपोनेंट ऑफ 12 इन 100 फैक्टोरियल क्या हो जाएगा, 100 फैक्टोरियल में 12 कितना आएगा, 12 कितना आएगा, 12 की कितनी पावर आएगी, सीधे 12 की पावर बताओ, दो मिलके
दो दो मिलके और एक तीन मिलके अपने पास देगा 100 यानी 12 दे देगा, तो 100 फैक्टोरियल में एक्चुअल में आया हुआ है 2 की पावर 97 इंटू 3 की पावर 48 इंटू कुछ फैक्टोरियल एन, ये बताई हुई है। तो यहां से हम लिख सकते हैं 2 की पावर 97 को 2 की पावर 48 इंटू 2, बोलो पूरे मिला के 97 आ गया यहाँ पे, और इसके बाद इंटू 3 की पावर 48 इंटू एन, यहाँ पे इंटू एन को एक नंबर आ गया, मतलब ओवरऑल ये 100 फैक्टोरियल में अपने पास है 2 की पावर 2 का 48 इंटू 3 का 48 इंटू आपका एक 2 इंटू n, यानी टोटल आपका यानी 12 के एक्सपोनेंट हो जाएगा 12 की पावर 48, यानी टोटल यहाँ पे टोटल नंबर आप 12 हो जाएंगे 48, नंबर ऑफ जीरोज 24 हो जाएगा। फाइंड नंबर ऑफ जीरोज इन 100 फैक्टोरियल, तो 100 जीरोज के लिए एक जीरो के लिए एक दो और एक पांच की जरूरत है। अरे बात समझ में, किस्मा एक दो और एक पांच की जरूरत है, तो हम इसमें क्या ढूंढ लेंगे, 9 नंबर ऑफ 2 and 5 इन 100 फैक्टोरियल कितना होंगे वही ढूंढ लेंगे। तो 100 फैक्टोरियल में हम जानते हैं 2 की पावर 97 होता है, 5 की पावर 24 होता है, बाकी कोई एक नंबर n हो गया, तो यहाँ पे टोटल आपका 1, 2 और 1, 5 मिलकर 0 बना रहा है, तो 5, 24 ही 5 है, जबकि 2 तो बहुत ज्यादा है। देयरफोर नंबर ऑफ जीरो इज इक्वल टू 1, 2 और 1, 5 मिलकर बनाएंगे तो ये दोनों मिलकर 24 हो जाएंगे, यानी 24 हो जाएगा नंबर ऑफ जीरो। बात समझ में आई, कहाँ पे छूट गया तू, यहाँ लिखा हुआ है, ठीक है ना, ठीक है। तो अभी अपने को काम करना है इसी के ऊपर कि कौन, इधर देखो, कब अपने को काम करना है, ये किसको सेलेक्ट करना है, कितने को अरेंज करना है, मतलब एलिमेंट्री परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन। अब हम परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन में अपना दिमाग लगाने वाली चीजों पे बढ़ गए, एलिमेंट्री परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन। एक और बात है, मैंने स्टार्टिंग से ही बोल रखा है कि मैं हमें कभी भी एनपीआर का यूज नहीं करूंगा, मैं भले अभी बता दे रहा हूं, लेकिन यूज करने के बजाय मैं कुछ और तरीके से उसको करूंगा। जैसे पहले मैं अगर परम्यूटेशन की बात करूं, हाँ परम्यूटेशन की बात करूं, तो ये इसका पहली बात होता है कि सिलेक्शन करना है पहले और सिलेक्शन एंड अरेंज देम, सेलेक्ट करके उनको अरेंज कर देना है, यानी आपका इसको जैसे मान लो लिखा जाइए कि अरेंज आर आइटम्स फ्रॉम एन आइटम्स, एन में से आर आइटम को अरेंज करना है, तो हम लिख सकते हैं एनपीआर, क्या लिख सकते हैं एनपीआर, या इसी चीज को लिख सकते हैं कि एन में से आर चीजों को पहले सेलेक्ट करेंगे और फिर क्या करेंगे, इनको आर फैक्टोरियल तरीके से अरेंज कर देंगे। कुल मिला के तीसरे नंबर की बात है, फैक्टोरियल आर का मतलब ये होता है कि आर आइटम को, यानी अरेंजमेंट, ये सिर्फ ये होता है कि अरेंजमेंट ऑफ आर आइटम्स एट आर प्लेसेस, यानी आर जगह पे आर आइटम को अरेंज करने का तरीका, जैसे चार चीजों को चार जगह पे बैठाने का तरीका चार फैक्टोरियल तरीके से अलग अलग, जैसे मान लो कि दो चीजों को दो जगह पे बैठाने का तरीका, जैसे मान लो ए और बी को दो जगह बैठाने का तरीका एक ए और बी हो सकता है या फिर बी और ए हो सकता है। कहने का मतलब है कि अरेंजमेंट में ऑर्डर इंपॉर्टेंट है, ऑर्डर इज इंपॉर्टेंट, कि आपका ए बी और बी ए दो अलग अलग चीज है। अरे बात समझ में, तो इसमें ऑर्डर इंपॉर्टेंट है, जैसे मान लो ए बी सी अगर अपने पास है तो हम इनको तीन चीजों पे बैठाने का तरीका क्या हो सकता है, एक ए बी सी फिर ए बी सी के बाद ए सी बी, फिर ऐसे ही तीन अलग छह टोटल तरीका बनेंगे। बात समझ आ रही है ना, तो ये होता है कि इसमें ऑर्डर बहुत इंपॉर्टेंट है, जबकि जो सिलेक्शन है यानी जो कॉम्बिनेशन है ये सिर्फ ये बताता है कि अपने को चीजों को सेलेक्ट करना है, मतलब ये पहला है कि सिर्फ सिलेक्शन है ये, यानी दूसरा अगर मैं लिखूं इसका कि सिलेक्शन ऑफ, यानी सेलेक्ट करना है सिलेक्शन ऑफ आर आइटम आउट ऑफ एन आइटम्स, तो ये सिर्फ और सिर्फ इसकी वैल्यू डायरेक्ट हो जाएगी, क्या हो जाएगा आपका एनसीआर,
मतलब एन में से आर को सेलेक्ट कर लिया, हमको अरेंज नहीं करना है, तो ये सीधे सीधे हो जाता है एनसीआर। और आपको तीसरे नंबर की बात, एनसीआर की वैल्यू हम लोग पढ़ चुके हैं, हमको याद भी हो चुका है क्या, फैक्टोरियल एन अपॉन फैक्टोरियल आर फैक्टोरियल एन माइनस आर। अरे बात समझ में, एन माइनस आर ये। अच्छा एक बात और हमको पता है कि इस एनसीआर में बाइनोमियल में सब पढ़ चुके हैं हम लोग, एनसीआर में एन हमेशा आर से बड़ा होगा या बराबर हो सकता है, आर की वैल्यू जीरो के बराबर भी हो सकती है, एन की वैल्यू और आर की वैल्यू हमेशा नेचुरल नंबर होनी चाहिए, एक जीरो को ले लिया जाए तो आर होल नंबर भी हो सकता है। अरे बात समझ में, लेकिन हमेशा एन की वैल्यू आर यानी ऊपर वाला हमेशा नीचे वाले से बड़ा या उसके बराबर हो सकता है, मतलब अधिकतम आप कर सकते हैं 5C5 कर सकते हैं लेकिन 5C6 नहीं कर सकते हैं। अरे बात समझ में ना, तो ये होता है सिलेक्शन। जैसे मान लो मैं एक सवाल स्टार्ट करता हूँ इधर काट आके, ठीक है नोट कर लो, नंबर ऑफ फाइंड नंबर ऑफ वे फॉर सिंबल, नंबर ऑफ वे फॉर सिंबल सिंबल्स दैट कैन बी मेड विथ फाइव फ्लैग्स यानी पांच तरह के झंडे हैं, उनसे एक आपको सिंबल बनाना है ऑफ डिफरेंट कलर। ये सभी के सभी झंडे जो है ना वो अलग अलग कलर के हैं, डिफरेंट कलर। तो उस केस में आपको when any number of flag can be used, चाहे जितने चाहे उतने हम फ्लैग यूज कर सकते हैं। चलो बताओ जरा, देखो ध्यान से देखो सवाल को, इस सवाल को पहले देख लेते हैं। आपको फाइंड नंबर ऑफ वे फॉर सिंबल, एक सिंबल बनाना है, झंडा कितना अपने पास पांच झंडे हैं, उसमें से फ्लैग बनाना है जबकि पांचों अलग अलग कलर के हैं। क्या ये कह रहा है कि आप चाहे जितने मर्जी उतने फ्लैग ले लें, एक सिंबल तैयार हो जाएगा। अरे यार बात समझ में आ रही है, तो पांच में से मैं एक झंडा ले लूंगा तो भी फ्लैग तैयार हो जाएगा क्या? बोलो पांच में से, आंसर लिखते हैं ना जरा मेरे साथ साथ, एक दो सवाल देख लो उसके बाद आप बनाना अपने आप। देखो पहला हमने क्या कहा कि पांच में से एक भी झंडा ले लिया और उसको अरेंज कर दिया तो वो आपका एक सिंबल तैयार हो गया, या प्लस ऑर्डर, क्योंकि अपने को सिंबल तैयार करना है तो हाँ, तो पांच में से दो झंडा लिया, मान लो कि येलो और ग्रीन ले लिया, ऊपर येलो नीचे ग्रीन एक झंडा हो जाएगा, एक सिंबल हो जाएगा, और ऊपर ग्रीन नीचे येलो एक अलग सिंबल हो जाएगा, दोनों अलग अलग दिखेंगे कि नहीं। तो ये पांच में से दो लिया, दोनों को अरेंज कर दिया, ये अपने आप प्रॉब्लम कहीं कर नहीं रहा है कि अरेंजमेंट का प्रॉब्लम है, ये आपकी थॉट है कि आपको वहां लेके जाएगा कि अरेंजमेंट यहां लगेगा कि नहीं लगेगा। सिर्फ सेलेक्ट करके आपका सिंबल बनाना है या ऑर्डर इसमें इंपॉर्टेंट है कि नहीं, ये आपकी अपनी थॉट लेके जाएगी, ठीक है। फिर हम क्या कर सकते हैं, पांच में से तीन तीन फैक्टोरियल, पांच में से चार चार फैक्टोरियल, प्लस पांच में से पांच पांच फैक्टोरियल, यही आंसर हो जाएगा। इसी चीज को लिखने वाले किताब वाले लिखते हैं, 5P1 + 5P2 + 5P3 + 5P4 + 5P5। हम कभी इस P का यूज नहीं करेंगे, जरूरत नहीं है। आप सिलेक्ट करो अरेंज करो, सिलेक्ट करो अरेंज करो, सिलेक्ट करो अरेंज करो, ये आसान सी बात है, एकदम बिल्कुल बैठ जाती है दिमाग में कि सिलेक्ट करना है अरेंज करना। चलो अगले सवाल आप बनाओ, ठीक है ना। अगला सवाल मैं लिख रहा हूं, फाइंड नंबर ऑफ फोर डिजिट, चार डिजिट की नंबर बनानी है, चार डिजिट नंबर that can be made by using कोई भी चार आपका है, 9, 8, 7, 6, 5, 1, 2, 3, 4, पांच में से इन चार लेटर का यूज करके अपने को एक नंबर बनानी है। कितने तरीके से बना सकते हैं, आंसर आंसर बोलो, इन पांच लेटर का, इस पांच नंबर का यूज करके अपने को बनाना है चार डिजिट का लेटर। बिल्कुल सही है, पांच में से कोई भी चार नंबर सेलेक्ट कर लिया और उनको क्या कर दिया हमने, अरेंज, जितने तरीके से अरेंज करेंगे उतने नए नंबर आएंगे, और नए तरीके मतलब ये अपने पास है ये पांच, 1, 2, 3, 4, तो इस पांच में से कोई भी चार नंबर हमने सेलेक्ट कर लिया, इन पांच में से कोई भी चार को सेलेक्ट करने का तरीका है 5C4।
अरे बात समझ में, कैसे 5C4 है देखो, कैसे 5C4 है देखो, ये जो 5C4 है वो कैसे है सर, देखो एक हो जाएगा 9 8 7 6, एक सेट बना अपने पास, इनको अरेंज करेंगे तो एक तरीका आएगा, फिर 9 8 7 5 एक हो गया, फिर आपका 9 8 7 9 8 6 5 दो हो गया, तीन हो गया, फिर 9 8 9 9 7 6 5 चार हो गया, फिर आपका 8 7 6 5 ये पांच सेट ऑफ नंबर्स हैं, दिख रही हैं? ये पांच सेट ऑफ नंबर्स हैं, इनको हर कोई अगर मैं ऑर्डर और अगर मैं अरेंज करूंगा तो एक नया नया नंबर क्रिएट होती रहेगी, कहीं पे कोई नंबर रिपीट नहीं होगी, क्योंकि हमने सेट ही अलग अलग ले रखा है। बात समझ में आ रहा है ना, कोई दिक्कत? तो इसी चीज को इन्हीं को पांचों जो इन्हीं में से पांच में से चार सेलेक्ट करने का तरीका एक ही बार हमने यही पांच का आंसर लिखा हुआ है 5C4। बात पकड़ में आ रही है? अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। नंबर ऑफ वे टू सीट फोर पर्सन ऑन सिक्स चेयर, छह चेयर में से छह चेयर पे चार लोगों को बैठाने का तरीका क्या करेंगे? हाँ, मतलब पहले चार चेयर कोई भी सिलेक्ट कर लेंगे, और कोई भी चार चेयर सिलेक्ट करने का तरीका छह में से कोई भी चार चेयर सिलेक्ट कर लिए और उस पे हम चार लोगों को बैठा दी, हम ये मान रहे पर्सन को इस चेयर को सिलेक्ट कर रहे हैं, छह में से चार चेयर को सिलेक्ट किए हैं, छह चेयर है, हम पर्सन को सिलेक्ट करने में चेयर सिलेक्ट करने की ये तो चेयर बैठा है, ये चेयर बैठा है, मान लो अपने पास छह चेयर का लो सेट है, देखो ऐसे मान लो एक चेयर आपके पास C1 C2 C3 C4 C5 C6 चेयर है, तो हमने कहा हमने सिलेक्ट किया C2 C3 C6, एक चेयर सिलेक्ट कर लिया, ठीक है, इस पे चार लोगों को बैठा, हम मान रहे हैं कि इसकी नंबरिंग अलग है, चेयर अलग अलग तरह की है, अरे आ रही बात समझ में, अलग अलग तरह की है, तो यही तरीका हो गया। अच्छा, इसी में ना मेरा मन कर एक और बात अब यहीं पे याद आई तो लिया लिखवाने का, ठीक है, सिलेक्शन ऑफ आर आइटम्स, अरेंजमेंट ऑफ आर आइटम्स आउट ऑफ एन सिमिलर आइटम्स, अगर एन सिमिलर है उनमें से आर आइटम को सिलेक्ट करने का तरीका, मतलब आर एक समान के, मान लो कि 10 संतरे आपके पास है एक ही तरह के, कैसे कितने तरह के हैं एक ही तरह के हैं, और पांच संतरे सिलेक्ट करने तो कितने तरीका हो सकता है, सिर्फ एक, अरे सब संतरे अलग अलग है ही नहीं, कोई भी लो यार वही पांच आने वाले संतरे ही है, अरे बात समझ में, तो ये ध्यान रहेगा, अगर सिमिलर आइटम्स है उस केस में तरीका क्या हो जाता है, एक अलग अलग हो जाता है तो NCR, और अरेंज करना था तो आर फैक्टोरियल तरीके से, इस बार अरेंजमेंट भी वही रहेगा और सिलेक्शन भी वही रहेगा, आ रही बात समझ में, ठीक है, कभी नहीं बोलेगा कि अरेंजमेंट मिलेगा, ठीक है ना, कभी नहीं बोलेगा कि अरेंजमेंट मिलेगा। तो ये अगला है, अगला अपना जो तरीका है ना वो स्ट्रिंग मेथड या गैप मेथड है, दोनों बताऊंगा, जनरली लड़के लोग और हम लोग भी प्रीफर करते हैं गैप मेथड, स्ट्रिंग मेथड को कम प्रीफर करते हैं, आगे हम पढ़ेंगे स्ट्रिंग मेथड या गैप मेथड, गैप मेथड को ज्यादा प्रीफर किया जाता है क्योंकि इसमें चीजें दिखती हैं और उसमें चीजें दिखती नहीं है, स्ट्रिंग मेथड में चीजें दिखती नहीं है, जैसे मान लो हमने कहा कि मान लो हमने एक सवाल लिया कि फाइंड नंबर ऑफ वे, सवाल लिखते रहो आप लोग, फाइंड नंबर ऑफ वे टू अरेंज कलर ऑफ रेनबो में कलर होते हैं बीब ग्योर, ठीक है ना, क्या नाम है इसका, वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड, अरे बात समझ में, सबसे ज्यादा वेवलेंथ किसकी होती है,
रेड की है, सबसे कम वेवलेंथ किसकी होती है? वायलेट की, इसलिए वायलेट जल्दी दिखता नहीं है और रेड सबसे ज्यादा दिखता है। अगर वायलेट दिखने का बहुत ज्यादा मन है तो खूब तेज अगर जल रहा हो तो एकदम पास जाके देखना दिखेगा, एकदम जो एकदम खूब तेज जल रही होगी ना एकदम, जैसे मान लो ये तुम्हारा अगर लौ जल रही है तो एकदम पास में जाके देखना दिखेगा वायलेट, ठीक है? अरे गधे जल जाएगी यहाँ, कौन जाएगा देखने, पास में कौन जाता है देखने नहीं। तो वायलेट जो है कि वायलेट कलर जल्दी देखो, जनरली ब्लू से दिखना स्टार्ट होता है, जनरली ब्लू से दिखना कलर स्टार्ट होता है। जब आप कभी रेनबो भी देखेंगे ना तो उसमें आपको सात कलर थोड़ी दिखते हैं, चार पांच ही कलर दिखते हैं, ठीक है ना, सही से चार पांच ही कलर दिखते हैं। सच दैट ब्लू एंड ग्रीन नेवर टुगेदर, ये कभी भी एक साथ ना हो, ब्लू एंड ग्रीन नेवर टुगेदर कभी भी एक साथ ना हो, ठीक है ना। तो इसका देखो पहला जो मेथड होगा ना, मैं पहले मेथड पे बात करूंगा, स्ट्रिंग मेथड क्या हो सकता है। पहला मेथड मैं वन पे बात कर रहा हूं कि मेथड वन, देखो अगर मैं कहूं कि इसको टोटल नंबर ऑफ पे इनको और बीवग्योर को अरेंज करने का तरीका टोटल क्या हो जाएगा, बीवग्योर को टोटल नंबर ऑफ वे, टोटल नंबर ऑफ वे टू अरेंज, इनको अरेंज करना हो तो इनका तरीका हो जाएगा आपका सेवन फैक्टोरियल। अच्छा इस सेवन फैक्टोरियल में क्या क्या होगा, क्या सेवन फैक्टोरियल में वो सारे टर्म भी अवेलेबल होंगे जब ये साथ में होंगे और वो सारे चीज भी होंगे जब वो साथ में नहीं होंगे? तो ये क्या होगा कि नंबर ऑफ वे, इसका मतलब ये कुल मिला के ये होगा कि नंबर ऑफ वे व्हेन बी एंड जी आर टुगेदर प्लस नंबर ऑफ वे व्हेन बी एंड जी आर नेवर टुगेदर, कभी भी साथ में ना हो, ये दोनों मिला के एक साथ होगा। आ रही बात समझ में? अब इसमें मैं बताता हूँ, देखो इसमें हमको आंसर एक्चुअल में यही चाहिए क्या कि आपको एक साथ वाला नहीं चाहिए कभी भी, तो क्या हो जाएगा नंबर ऑफ वे व्हेन बी एंड जी नेवर टुगेदर, ये वाला अगर हमको आंसर चाहिए तो ये हो जाएगा आपका सेवन फैक्टोरियल माइनस नंबर ऑफ वे व्हेन बी एंड जी आर टुगेदर, और बी और जी एक साथ अगर हो गए तो उसका तरीका क्या हो जाएगा सेवन फैक्टोरियल में से, बी और जी को एक साथ करने का तरीका क्या हो जाएगा, कितना क्या हो जाएगा छह फैक्टोरियल। मैंने मान लिया कि देखो ऐसे कर लिया कि विबग्योर में इन दोनों को एक साथ हमने मान लिया, क्या कर लिया इनको एक साथ सिंगल मान लिया, तो कितने नंबर हो गए अभी, एक दो और इनको सिंगल हमने मान लिया है, तीन चार पांच छह, तो ये छह फैक्टोरियल हो गया इनटू ये अंदर जब एक साथ हमने बांध दिया है इनको, स्ट्रिंग मतलब रस्सियों में बांध दिया इनको, ये अंदर में हो सकता है कि नहीं, समझो कि दो लोग है बोरा में भर दिया, दो लोगों को बोरा में भर दिया, तो भाई वो बोरा में ऊपर नीचे तो हो सकते है ना, हमारा उनके ऊपर अधिकार नहीं है, सिर्फ क्या अधिकार था बांधने का अधिकार था, हमने बांध दिया तो ये अंदर में दो तरीके से हो सकते थे। ये जो मेथड है इसी को बोला जाता है कौन सा, स्ट्रिंग मतलब बांध कर बताना, स्ट्रिंग मतलब बांध देना, स्ट्रिंग मेथड हो गया। सेकेंड इसी चीज को करेंगे गैप मेथड से, ठीक है, इसका आंसर क्या आएगा ये हम निकाल लेते हैं। क्या इस सेवन फैक्टोरियल में को क्या सात इंटू सिक्स फैक्टोरियल लिख सकते हैं क्या, 14 इंटू टू फैक्टोरियल, बोलो इसमें से क्या कॉमन कर लिया हमने, सिक्स फैक्टोरियल कॉमन हो गया, क्या बच गया यहाँ पे सेवन माइनस टू, क्या ये आपका फाइव इंटू सिक्स फैक्टोरियल, यही आंसर हो गया अभी, ठीक है। अब गैप मेथड में चलते हैं, किसी का गैप मेथड क्या होगा, आओ जरा देखते हैं, अच्छा नोट करना है, नोट कर गैप मेथड में, गैप मेथड का कॉन्सेप्ट समझ लो कि कैसे गैप मेथड है, हमको किसको एक साथ नहीं रखना है बताओ, किसको एक साथ नहीं रखना है, ब्लू और ग्रीन को, तो पहले हम बी आई वाई ओ आर को क्या कर ले, अरेंज कर ले, ठीक है, कितने तरीके से हमने इनको अरेंज कर लिया, पांच फैक्टोरियल तरीके से कर लिया, इनके बीच में गैप बताओ कितना आ गया, क्या एक ए गैप है, एक ये 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 गैप है, कुल गैप कितना गिनो, एक दो तीन चार पांच छह। अब इन छह गैप में कहीं भी बी और जी पड़ जाएगा तो क्या वो अलग अलग हो जाएगा, क्या कभी साथ हो सकता है क्या,
इन छह गैप में कहीं भी बी और जी पड़ जाए तो वो बी और जी बिल्कुल अलग कभी साथ नहीं हो सकता, अलग अलग हो गया। मतलब छह में से कहीं भी दो जगह पे अरे बात समझ में, और कितने तरीके से खुद अरेंज हो सकता है दो फैक्टोरियल। अरे बात समझ में आ रही क्या, समझ में आया कि नहीं? नहीं समझ में आया बताओ। इन छह जगहों में से आपका दो बी और जी को भरने का तरीका कितना, किसी भी दो जगह पे 62, और वो बी और जी खुद अपनी जगह पोजीशन चेंज कर सकते हैं। मतलब यहाँ बी यहाँ जी, तो जी और बी यहाँ यहाँ हो सकता है टू फैक्टोरियल तरीके से। आंसर बताओ, फैक्टोरियल 5 इंटू ये हो जाएगा फैक्टोरियल 6 अपॉन फैक्टोरियल 2 इंटू फैक्टोरियल 4 इंटू फैक्टोरियल 2, सही है? ये 2 से 2 कट गया और यहाँ पे क्या दे दिया आपने पास, फैक्टोरियल 5 इंटू फैक्टोरियल 6 में 5 इंटू 6 6 × 5 / 4 कट गया। अरे कट गया ना यहाँ पे, ये कट गया। अब जरा बोल देखो, ये 6 × 5 × अब यहाँ पे 5 ये रह गया यहाँ पे, ये दोनों मिलकर क्या लिख सकता हूँ मैं, इंटू 5, यही आंसर था क्या वहाँ पे? अरे बात समझ में। तो गैप मेथड इसीलिए ऐसा होता है कि भाई पहले ही हमने चीजों को अलग अलग कर दिया, हमने गैप क्रिएट किया, उन गैप में उन नंबर्स को भर दिया। गैप में क्या कर दिया, उन नंबर को भर दिया। तो कितने गैप क्रिएट हुए, उसमें से दो नंबर को भरने का तरीका 62 × 2 फैक्टोरियल। बात समझ में आई? 2 फैक्टोरियल इसलिए क्योंकि ये जो बी और जी थे वो खुद एक दूसरे के साथ अरेंज हो सकते थे। अरे बात समझ में। टोटल तरीका ये, दोनों का आंसर सेम, चाहे आप स्ट्रिंग मेथड से करो चाहे गैप मेथड से करो। बात समझ में आई, कोई दिक्कत? ठीक है, अब बाकी का नेक्स्ट डे करते हैं।